सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने घर पर रहकर अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानेंगे हम कि इस समय इस सिचुएशन से निपटने के लिए हम कौन से ऐसी चीजें कर सकते हैं कि हमें हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत ना आए और हम अपनी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकें। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप में से किसी को भी इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप लोग कंप्लीट बेड रेस्ट करें। इससे क्या होगा, बेड रेस्ट करने से एक तो आप अपने आप को अपने परिवार से अलग रखेंगे, तो उन लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, और दूसरा, आप जब रेस्ट करेंगे तो आपके बॉडी को कम से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि दिन भर हम जो भी काम करते हैं या जितना ज्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतना ज्यादा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें फिजिकली रेस्ट देना है अपनी बॉडी को। साथ ही साथ आप सीधे मत लेटिए। अगर आप सीधे यानी आप स्ट्रेट पोजीशन पे लेटते हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, इसकी जगह आप करवट लेकर या आप उल्टे होकर, आप उल्टा लेट जाइए, प्रोन पोजीशन बोलते हैं इसे, उल्टा लेट जाएं और आप अपने लंग्स की जगह पर एक तकिया रख लीजिए और इस तरह से लेटें। इस तरह से लेट करके भी आप अपने ऑक्सीजन की खपत को, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें ताकि आप चेक कर सकें कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो नहीं हो रहा है। कभी कभी हम लोग रीडिंग लेते वक्त गलती कर देते हैं, जैसे कि हमारे हाथ यदि थोड़े गीले हों तो हमें प्रॉपर अपने हैंड्स को ड्राई करके प्रॉपर फिंगर को इंसर्ट करना है, यानी आप अपनी फिंगर को आराम से प्रॉपर देखिए पूरी तरह से इंसर्ट हो गया है या नहीं, और फिर एक मिनट तक वेट भी करना है ताकि एकदम सही और एग्जैक्ट रीडिंग आ सके। ठीक है, 90 से कम रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको गुनगुना पानी जरूर से पीना है, क्योंकि गुनगुना पानी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, खास तौर पे कोरोना के केसेस में। इसके साथ आप विटामिन सी का सेवन करें। विटामिन सी आपको हेल्पफुल रहती है, खास तौर पे जब आपकी बॉडी को किसी भी बीमारी से लड़ना हो, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, इन सभी केसेस में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन में कार्वोवेज का प्रयोग कर सकते हैं। कार्वोवेज को लास्ट होम्योपैथिक एड बोला जाता है, दैट मीन जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि अब बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या दें, तो कार्वोवेज दवा का प्रयोग किया जाता है। कार्वोवेज जो दवा है, खास तौर पे आपका अगर ऑक्सीजन, आपका डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल, आपका ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ब्लड में, आपका जो बॉडी है वो ब्लू पड़ रही है, पेशेंट को बहुत घबराहट होने लगी है और वो चाहता है कि हमेशा फैन ऑन रहे, खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं, तो ये सभी चीजें इंडिकेट करती है कार्वोवेज लेने के लिए। तो आप कार्वोवेज ले सकते हैं। कार्वोवेज एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है, खासतौर पर जब आपको ऑक्सी
ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम आ रही हो और आपको ऐसा लग रहा कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और शरीर नीला पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ये सब कंडीशन आपकी कारोवेज मेडिसिन में देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने बोला, ये है लास्ट होम्योपैथिक एड। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि लास्ट होम्योपैथिक एड, जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, पेशेंट अगर बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ गया हो, तो कार्बोवेज उसकी जान बचा सकती है। आप कार्बोवेज का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोवेज आपको 30 पोटेंसी में लेना है। दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर कार्बोवेज 30 में आपको लेना है और दो दो बूंदें डायरेक्टली टंग पे लगभग 3 से 4 बार लेना है। किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो डोज हाफ कर दीजिए, एक एक बूंद दिन में 3 बार कर दीजिए, इस तरह से आपको लेना है। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी आपका ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, आप स्टीम इनहेलेशन जरूर से करें। गर्म पानी की भाप बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। कपूर बहुत अच्छा वर्क करता है, कपूर कैम्फर जिसे हम लोग अपने घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कैम्फर भी बहुत अच्छा है, आप उसे भी सूंघ सकते हैं। तो कैम्फर आप चाहें तो जो आप स्टीम ले रहे हैं उसमें भी एक थोड़ा सा टुकड़ा उसका डाल सकते हैं, तो स्टीम इनहेलेशन में भी हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एक थोड़ा सा छोटा टुकड़ा काफ़ी अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो स्टीम इनहेलेशन और यूकिलिप्टस ऑयल, ये आपका अच्छा वर्क करता है। स्टीम इनहेलेशन के समय इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। तो स्टीम इनहेलेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, गुनगुना पानी पीना फायदेमंद रहेगा, विटामिन सी फायदेमंद रहेगी और कार्बोवेज फायदेमंद रहेगा। और लेटने की आपकी जो पोजीशन है, स्ट्रेट ना लेट कर आपको आपको चेस्ट के नीचे, अपने लंग्स के नीचे तकिया रख कर उल्टा लेटना है, तो ये ऑक्सीजन की खपत को कम करता है ना। इस तरह से आप अपने घर पर अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। और चेक जरूर करिए पल्स ऑक्सीमीटर से, क्योंकि लेवल लो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिटिकल होने वाला है घर पे, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पता करिए और कोशिश करिए ऐसी नौबत ही ना आए, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज एक बहुत अच्छा तरीका होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने का, है ना। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आप अपने चारों ओर जो इन्वायरमेंट में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल बढ़ा सकते हैं, पर फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप इन घरेलू उपायों को अपना कर भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।